आज का पूरा न्यूज़पेपर ऑलमोस्ट बजट के ऊपर है। 23 तारीख को बजट पेश किया गया और बजट में कोई खास ऐसी चीज नहीं रही जो बहुत ज्यादा उत्साहित करे, लेकिन कुछ स्कीम्स हैं, कुछ फंडिंग है, एग्जाम के हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा वो हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी, मैं आपका स्वागत करता हूँ यूपीएससी समाचार में। आज है 24 जुलाई और हमारा डेली यूपीएससी समाचार जो देखते हैं उनको तो पता ही है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता दूं कि एकेडमी ने पिछले 3 साल में 108 सिलेक्शंस दिए हैं एचसीएस में। इस साल भी आउट ऑफ 113 51 सिलेक्शन रहे, इंक्लूडिंग एसडीएम डीएसपी एंड अदर पोस्ट। लास्ट ईयर 24 सिलेक्शंस रहे थे, इंक्लूडिंग रैंक वन अनिल कुमार ऑफलाइन स्टूडेंट थे। तो अभी 2025 को टारगेट करते हुए एचसीएस अभिमन्यु बैच चल रहा है, उसमें आंसर राइटिंग भी कराई जा रही है ताकि जैसे ही वो एग्जाम का नोटिफिकेशन आए यू आर रेडी फॉर दैट। इसके अलावा 28 जुलाई को एक टेस्ट होने जा रहा है, लड़कियों के लिए सुनहरा अवसर है, 1 साल के लिए फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग हम देने वाले हैं जो इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आज का जो एडिटोरियल है मेनली बजट से है, बस आर्टिकल अलग अलग है। एक तो जो पर्सनल इनकम की स्लैब्स है वो चेंज करी गई है, थोड़ा सा माइनर सा चेंज है, देख लेंगे। बजट ने प्रपोज किया है कि भाई हम जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है उसको इम्प्रूव करेंगे और नए जो नेशनल ये जो कमीशन बनाए जाते हैं, ट्रिब्यूनल वगैरह, इसको हम बढ़ाएंगे ताकि और जल्दी से प्रोसेस हो पाए। 5 नई स्कीम लॉन्च करेंगे ताकि जॉब क्रिएशन हो। युवा सबसे ज्यादा परेशानी में, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, राइजिंग इन्फ्लेशन, उसके लिए लोगों को फंडिंग दी जाएगी काफी ज्यादा। 1,000 करोड़ का वेंचर फंड कैपिटल बनाया गया है स्पेस सेक्टर के लिए, और अभी भी लोग कह रहे हैं कि ये बहुत कम है ग्लोबल लेवल को देखते हुए। 1,000 करोड़ कुछ भी नहीं है, बट 1,000 करोड़ अपने आप में मायने रखता है। स्पेस को इतना पैसा देना पहली बार, आज तक का सबसे हाईएस्ट बजट है। ट्राइबल विलेजेस के लिए जो पीएम जनमन स्कीम है वो लॉन्च करी गई है ताकि जो ट्राइबल एरिया में जो लोग रहते हैं उनका भी हम उद्धार कर पाए। अब मुझे नहीं पता कि उनका उद्धार कैसे होगा। दो तरह की थ्योरीज हैं, एक थ्योरी कहती है कि ट्राइबल्स को अपने हाल पे छोड़ दो, दे आर हैप्पी, बट एक थ्योरी ये कहती है कि दे आर बैकवर्ड हिंदूज, है ना, और उनको हम सारी फैसिलिटी दें, हेल्थ दें, एजुकेशन दें, जो एजुकेशन हम ले रहे हैं उनको भी हम ए फॉर एप्पल बी फॉर बोल करें, ठीक है, अब्बा जब्बा या जिंगा लाला ना करने दे उनको। चलो, और जो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है फिस्कल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ कंटिन्यूटी, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रोथ स्टेबिलिटी फिस्कल इन इन चीजों बात तो हो रही है, बट एक अच्छा आर्टिकल लिखा है, दो लेडीज हैं, उन्होंने लिखा है, रिसर्च से ही बिलोंग करते हैं, देखेंगे आराम से। और आज प्रोटेक्टेड एरियाज में हम आईयूसीएन के 6 स्पेशल कैटेगरी देखेंगे, तो थोड़ा शॉर्ट में ही रहेगा आज, कुछ नया नहीं जानने को, बट कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं। देखो, फाइनेंस मिनिस्टर इसी तरह मैंने प्रोवाइड किया है, टैक्स पेयरों को कुछ राहत दे दी है। आपको डायरेक्ट मैं दिखा देता हूं, ये टैक्स स्लैब्स हैं। अभी 3 लाख तक तो कोई आपको टैक्स नहीं देना है, 3 से 7 में 5%, 10%, 15 और 20%, और 15 लाख से ऊपर है 30%। तो ये टैक्स स्लैब आपको याद कर लेना है, एग्जाम के हिसाब से ये बढ़िया है। जो पेंशनर हैं उनका डिडक्शन 15 से 25 हजार कर दिया गया है, और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था वो 50 हजार से 75 हजार कर दिया है, ठीक है। और तो बस यही स्लैब में ही चेंज हुआ, और कोई लार्जर चेंज नहीं आया है। अब टैक्स पेयर्स को जो एग्जेम्पशंस होते थे जैसे एचआरए वगैरह के ना, तो वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। इस तरह से है, अगर आपके 20 लाख तक आपकी सॉरी मूवेबल एसेट्स हैं तो उसको भी आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, या तो आपसे पूछते हैं कि पर्टिकुलर सेक्टर में भाई पिछले 1 साल में कितना फंडिंग आया है, कितना ग्रोथ हुआ है 1 साल में, 5 साल में, पिछले साल के मुकाबले ज्यादा था, कम था, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। देखो, 2017 में क्वेश्चन आया, टैक्स रेवेन्यू एज ए पार्ट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, फिस्कल डेफिसिट एज ए पार्ट ऑफ जीडीपी इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज। टैक्स रेवेन्यू फिस्कल डेफिसिट क्या होते हैं, ये इकोनॉमी का टॉपिक है, बट शॉर्ट में आपको मैं वो बता रहा हूँ, क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूँ। जैसे इसने कहा पिछले डिकेड, मतलब पिछले 10 साल में टैक्स रेवेन्यू, जो आप टैक्स आता आपके पास, वो स्टेडली बढ़ा है, मतलब वो कॉन्स्टेंटली बढ़ा है, एक बार भी कम नहीं हुआ। जो फिस्कल डिफिसिट है, जो घाटा है जीडीपी का, वो परसेंटेज वो भी बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, 10 साल में कभी भी नहीं घटा है। तो अगर 10 साल में से वो 1 साल में भी नीचे आए तो ये स्टेटमेंट फॉल कर जाएगी, नाइदर वन नाइदर टू। तो इस तरह के इकोनॉमी में जब भी डेटा वगैरह कुछ ट्रेंड पूछते हैं 10 साल का पूछते हैं, 1991 से पूछेंगे या तो, या फिर 10 साल का पूछेंगे, ठीक है। अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि भाई हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और नए एडिशनल कंपनी लाइक ट्रिब्यूनल बनाएंगे ताकि आउटकम वगैरह बढ़ पाए। जो भी मतलब बैंक लोन देता है वो वापस नहीं आता है, तो उसको फिर उस माथापच्ची में वो कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट का टाइम भी खराब होता है, बिजनेस भी खराब होता है,
उसको जितना जल्दी सुलझा लिया जाए उतना ही इकोनॉमिकली बढ़िया होगा। तो ऐसे एनसीएलटी बढ़ाए जाएंगे, इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, कंसिस्टेंसी आएगी, एफिशिएंसी आएगी रेजोल्यूशन केस करने में, और जो क्रेडिटर है जिन्होंने पैसा दे रखा है उनको भी फायदा होगा। अगर मान लो मैं बैंक हूं, मैंने 1000 करोड़ का लोन दे दिया, अब वो फंस गया है, तो समहाउ अगर उस 1000 में 700-600 भी वापिस आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मैं उस लोन को दोबारा दे सकता हूँ, लेकिन पूरा ही पैसा डूब जाए, एक पैसा वापिस ना आए, तो फिर कैसे चलेगा। तो इस तरह से जो रिकवरी प्रोसेस है ना उसको थोड़ा सा तेज करेंगे और जल्दी बेनिफिट करेंगे, ठीक है, इस तरह से बनाया जा रहा है। इसमें सिर्फ इतना ही जानने को, देखो इस तरह का 2017 में क्वेश्चन आया था, जब भी कोई आईआर में या इकोनॉमी में कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो, कोई कोलैबोरेशंस हो, कोई स्कीम हो, कोई एग्रीमेंट साइन होता है, उसमें ये पूछते हैं क्या चीज है। जैसे S4A उस टाइम चल रहा था, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग स्ट्रेस एसेट, ये क्या चीज है। तो ये आरबीआई की कोई स्कीम थी जो कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपको दे रखा है बिग कॉर्पोरेट्स का, उस पैसे को रिस्ट्रक्चरिंग, मान लो आपको 20 करोड़ आपने दिया है, तो भाई 5-5 करके दे दो, 4-4 करके दे दो, इस तरह से उसका रिस्ट्रक्चर करना होता है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था उस टाइम के हिसाब से। अभी थर्ड गवर्नमेंट आई है तो यहाँ पर फोकस किसके ऊपर है, मैंने अगेन बताया, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब लॉस। जॉब लॉस क्यों हो रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी की वजह से, AI आ गया, मशीन लर्निंग आ गया, चैट GPT आ गया, जो लोग बैठ के लिखते थे स्टोरी वगैरह आर्टिकल वगैरह, अब आप 1 मिनट में पूरा आर्टिकल छपवा सकते हो किसी भी लैंग्वेज में, चैट GPT कन्वर्ट कर देगा। खास करके जो ट्रांसलेशन वाला काम था वो तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, या जो बैठने वाला काम था एक ही जगह टक 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 करना था, वो सारा खत्म ही हो गया। अब AI को जो कंट्रोल करेगा उसको एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है, ठीक है, तो ये बड़ा इशू है। तो भाई जॉब जनरेट करो, इंसेंटिवाइज करो एम्प्लॉयमेंट को, जो यूथ है वो सिर्फ एग्जाम देते हुए ना रहे, उसको स्किल भी है, उस काम करना आए, वो कुछ भी काम करे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल्स, कंप्यूटर, कुछ भी ठीक करे, वो ओल्ड एज केयर में आ जाए, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड कम होगा, और जैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो क्राइम रेट भी कम हो जाएगा। जो ठाली आदमी है उसका दिमाग नेगेटिव चीजों में चलता है, उसका दिमाग जल्दी पैसे के लिए बनाने की कोशिश करता है। जो आदमी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है वो चाहेगा कि सिस्टम बना रहे, लेकिन जिस आदमी के पल्ले कुछ नहीं है वो चाहेगा कि कैसे ना कैसे करके सिस्टम बर्बाद हो जाए, या तो मैं उनके जैसा हो जाऊं या वो मेरे जैसे हो जाए, तो उसके पास इंसेंटिव कम है, ठीक है। तो 2016 में क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सिंपल पूछा है मुद्रा योजना क्या है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को क्या है, पैसे देने हैं ताकि वो भी फॉर्मल सिस्टम में आ पाए, स्मॉल स्मॉल लोन होते हैं मुद्रा, ठीक है, आई थिंक मुद्रा SIDBI के द्वारा दिया जाता है लोन वगैरह, आप चेक कर लेना। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल दिया गया है ताकि भाई स्पेस का स्टार्टअप हो, और इस 1000 करोड़ को लोग ऐसे देख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि 1000 करोड़ बहुत कम है, ग्लोबल के मुकाबले 10 गुना कम है, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि भाई चलो एक नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है और फ्यूचर में बहुत ज्यादा ही ग्रोथ का पोटेंशियल रखता है, इस सेंस में अच्छा है, ठीक है। तो भाई स्पेस इकोनॉमी को 5 गुना हम बढ़ाने वाले हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुकाबले अभी भी कम है। तो रिसेंट में एक नई पॉलिसी भी आई है कि जो सैटेलाइट बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहां पे 100% FDI आ चुकी है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसको ऐसे पूछेंगे कि भाई स्पेस में 100% FDI आ गई है, 50% आ गई है, नहीं आई है, ये इंपॉर्टेंट लाइन बनती है, ऐसी चीजों पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो 2022 में क्वेश्चन आया कि भाई वेब 3.0 को पढ़ के स्टेटमेंट कंसीडर करनी है, तो भाई इसमें ये कहा गया कि वेब 3.0 क्या है, इट अनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा, ठीक है भाई, देयर कैन बी ब्लॉकचेन ऑपरेट बाय यूजर्स। इकोनॉमी में क्या होता है कि कई बार लैंग्वेज देख के भी आपको आंसर पता लगाना है। देखो देयर कैन बी कैन इज अ वेरी लूज वर्ड, टेक्नोलॉजी के अंदर पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है, अनेबल्स है ना, यहाँ पे आप वर्ड देखो अनेबल्स कैन बी कलेक्टिवली, ठीक है, तो तीसरा थोड़ा सा डाउट में है, लेकिन दो तो बहुत आसान है। तो ये UPSC की एक इतिहास रहा है कि शब्दों से खेलता है, वो आपकी नॉलेज चेक करना नहीं चाहता, आप देखते हो कि आप कैसे स्टेटमेंट को पढ़ के आप कैसे काम कर रहे हो। एक PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान आया है जो शेड्यूल्ड ट्राइबल फैमिलीज के लिए है, अगर इसको नाम देखे तो PM जनमन है। मेंस में भी क्वेश्चन बनता है कि PM जनमन के बारे में बताओ, इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है, प्री में तो बनता ही बनता है। तो जनमन की फुल फॉर्म बताओ कि भाई इसका नाम है जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है, और बिकॉज नई स्कीम ये तो पहले ही लॉन्च हो चुकी है, इसी का वर्जन है, तो इसको आप उससे भी कनेक्ट कर ही सकते हो, मतलब जनजातीय उन्नत ग्राम की जगह अगर ये भी आ जाए तो उसका एम तो सेम ही है, क्योंकि जनमन तो मैं
मुझे याद आ रहा महीने भर पहले हमने पढ़ाई था तब भी आ रखी थी, उसी मॉडल पे ये है उन्नत ग्राम अभियान, ताकि इसका देखो ट्राइबल के लिए कोई भी स्कीम आएगी तो उसका रोल, उसका मेजरली यही रहता है, यूथ जो ट्राइबल है उसको एम्प्लॉयमेंट देना, उसको हेल्थ देना, एजुकेशन देना, और मेन स्ट्रीम में एसिमिलेट करना, मतलब उसको इंटीग्रेट करना, इस तरह का है। तो करीबन 13,000 करोड़ मिले हैं ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को। और एकलव्य जो मॉडल रेजिडेंस स्कूल है, तो ये पूछा जा सकता है एकलव्य स्कूल क्या है। एकलव्य स्कूल बनाए गए थे कि वहीं पर रेजिडेंशियल हो ट्राइबल के अंदर ही, ठीक है। और ये ध्यान रखना जो उन्नत वाला स्कीम है ना, ये उन्नत अभियान, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी चलेगा, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऐसे क्वेश्चन ये आपको पता रहना चाहिए कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होते हैं। ये बीमारू स्टेट जो होते हैं नीति आयोग के द्वारा डिस्ट्रिक्ट निकाले जाते हैं, जैसे हमारा हरियाणा में ये मेवा डिस्ट्रिक्ट हो गया, इस तरह से इन डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशल फोकस रहता है। अब देखो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा, या तो आर्टिकल दे देंगे, या मिनिस्ट्री चेंज कर देंगे, या ऐसा कुछ स्पेसिफिक दे देंगे कि भाई 1 है 2 है, जहां भी नंबर आ जाए कि 5% 10% नंबर, ये ना, तो वहां पर थोड़ा सा आपको रुक के सोचना पड़ेगा, 70% 50% 30% ऐसे करके क्वेश्चन बनाए जाएंगे आपके सामने। ये तो एक मॉडल क्वेश्चन था। आज का जो हमारा एडिटोरियल है ये कह रहा है कि देखो लार्जली इसमें ज्यादा कुछ सीखने को नहीं है, ये सिर्फ बातों गोल गोल घुमा रही है। कह रहे हैं कि भाई यूनियन बजट ने क्या किया, फिस्कल स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में लिखा, ताकि जो हमारे इनबैलेंसेस है वो कंट्रोल हो जाएं, और एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई पर हम फोकस कर रहे हैं, हाउसिंग सेक्टर पे स्पेशली फोकस्ड है। इस बार हाउसिंग सेक्टर को काफी बूम मिला है, जैसे ही बजट अनाउंस हुआ हाउसिंग सेक्टर के शेयर वगैरह को काफी पुश मिलने वाला है। तो यहाँ पर फिस्कल कंसोलिडेशन हो, और हमारा जो सोवरन रेटिंग्स हैं दूसरी कंट्री वगैरह जो रेटिंग एजेंसी करते हैं उनको भी काफी हेल्प मिलेगी इंडिया को बेहतर बताने में। अब ये कह रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल 2024 में 8.2% का जीडीपी ग्रोथ रहा, लेकिन एक अनइवन के शेप सेगमेंट आया। के शेप क्या होता है, देखो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो मतलब कुछ सेक्टर तो ऊपर चले गए कुछ नीचे आ गए, सारे ऊपर नहीं जा रहे, इसको बोलते हैं के शेप सेगमेंट, ठीक है। एक होता है वी शेप रिकवरी, ऊपर से नीचे कोई गिरा और वापस उठ गया, दैट इज वी शेप। तो इस तरह के जो मॉडल है इकोनॉमी में आप लिख सकते हो, के शेप वी शेप, ठीक है। तो हमें इस आर्टिकल द्वारा पता चल रहा है कि भाई कुछ सेक्टर ऊपर जा रहे हैं, जैसे लग्जरी कार, हाउस गुड्स है, ये जो आईफोन, टूरिज्म, ये सारे लग्जरी आइटम है ये तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो कॉमन आदमी है उसकी वेज स्टैग्नेंट है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, टमाटर 100 रुपए 120 रुपए किलो हो रहे हैं, तो ये पोर्शन थोड़ा सा मिसिंग है, यही कहना चाह रहा है। फिस्कल डेफिसिट 5.6% था, तो ये कुछ ज्यादा बेहतर पोजिशन में आज भी हम नहीं है, ये कम होना चाहिए, 4% से कम जाना चाहिए। तो हमें क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर और एमएसएमई को बूस्ट देना चाहिए, कुछ हद तक दिया भी गया है लेकिन लार्जली इतना नहीं मिला है। बिहार को ज्यादा इस बजट में सपोर्ट किया गया, बिकॉज बिहार को कुछ दिन पहले ही स्पेशल स्टेटस डिनाई किया गया था, तो हो सकता है उसके सपोर्ट को लेकर डर गए भाई सपोर्ट खींच ले सरकार गिर जाए, इस वजह से उनको अलग से पैकेज दे दिया। अब जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी जिसमें फूड वगैरह बांट रहे थे, इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया, निश्चिंत रहो मजे करो खाओ अपना, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक सर्वे ने एक एक वर्ड यूज किया था, ट्राइपार्टाइट कॉम्पैक्ट, ये आपको वर्ड याद रखना है। ट्राइपार्टाइट कॉम्पैक्ट मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर तीनों मिलकर काम करेंगे तब जाके ग्रोथ आएगा। अब तो हर जगह आप देख रहे हो प्राइवेट सेक्टर को लाया जा रहा है, ठीक है, जैसे इवन स्पेस में भी, डिफेंस में भी, हाउसिंग में भी, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर 96% लोगों को जॉब देता है, 4% सरकारी को देता है, तो हम प्राइवेट को अंडरमाइन नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन थी, वहां पर भी गवर्नमेंट ने 37% ज्यादा फंड दिए हैं, ये आपको 37% याद रखना है, अंदाजा रखना है कि 1/3 बढ़ा दिया है, 70% 80% ऐसा कुछ नहीं है, 1/3 बढ़ गया, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कंक्लूजन यही रहेगा कि भाई इंडिया को अच्छा सॉल्व करना है तो डोमेस्टिक बॉन्ड वगैरह हमारे ग्लोबल इंडाइसिस में रिप्रेजेंट होने लगे हैं, और फिस्कल डिसिप्लिन जो है, जो पैसे का जो बैलेंस है वो हमें बनाए रखना पड़ेगा, ज्यादा खर्चा कम इनकम से काम नहीं चलेगा। आज हमारे मैपिंग में जो आईयूसीएन है उसकी कैटेगरी बता रखी 6, कैटेगरी 6 आपको सिर्फ याद रखनी कौन कौन सी कैटेगरी है। जैसे कैटेगरी नंबर 1 में आते हैं स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व एंड वाइल्डनेस एरिया, दोनों एक में ही आते हैं, फिर नेशनल पार्क आता है, फिर नेशनल मॉन्यूमेंट एंड फीचर आता है, फिर हैबिटेट स्पीसीज आता है, हैबिटेट मैनेजमेंट एरिया, फिर आता है प्रोटेक्टेड लैंडस्केप, प्रोटेक्टेड एरिया विद द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब आते हैं। तो 6 के 6 आपको याद होने चाहिए, पेपर में पूछ सकते हैं कितने हैं, और नाम भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा रामसार कन्वेंशन याद रखना है, रामसार ईरान की एक सिटी है, 1971 ईयर आपको स्पेसिफिक याद होना ही चाहिए, सुपर इंपॉर्टेंट। और रामसार किसके लिए है, वेटलैंड के लिए है,
कुल 80 रामसर साइट्स इंडिया में, दो हरियाणा में भी हैं, अभी रिसेंट में आई थी, एक तो सुल्तानपुर एक भिंडावास, ये रामसर साइट्स हैं हरियाणा की। सीबीडी है, ये है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। एची टारगेट्स है, ये भी एची टारगेट बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग है। स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी स्पीसी सीएमएस, इसको बोलते हैं बोन कन्वेंशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो यूएनएफसीसी है, ये तो आपको पता ही है, क्लाइमेट चेंज के लिए है, यूएनएफसीसी की मीटिंग होती रहती है, अभी रिसेंट में COP28 हुई थी, COP29 होगी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट्स सुपर इंपॉर्टेंट, ईयर इज सुपर इंपॉर्टेंट, ये किसके लिए है, ये जो इंटरनेशनल आप ट्रेड करते हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के हमारे पांच क्वेश्चन है, व्हेन वाज द रामसार कन्वेंशन साइन, कौन से साल में रामसार साइन हुआ था, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर टू, बजट ने किस हाउसिंग सेक्टर में 70% तक बजट बढ़ा दिया है, ट्रू या फॉल्स, इतना बताना है। व्हाट इज बोन कन्वेंशन, अभी हमने ऊपर देखा, बोन कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ, सुपर इंपॉर्टेंट है। नेम द सेकंड लॉन्चिंग पैड फॉर द सैटेलाइट, जैसे अभी तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च होते हैं, सेकंड लॉन्चिंग पैड है वो कहां पे है, उसका नाम आपको बताना है, सुपर इंपॉर्टेंट। और घासीदास नेशनल पार्क, वैसे तो 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है, लेकिन पर्टिकुलरली घासीदास नेशनल पार्क कहां पे आपको बताना है, तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, थैंक यू।